हदीस में आता है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता मुस्तकिल फरिश्ता इसके रखा है जो दुआ करता है अल्लाहुम्मा अती मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करने वाला है उसके माल में इजाफा कर, बाकी रहने वाला माल उसको अदा फरमा दे। और फिर वही फरिश्ता कर अल्लाहुम्मा अती मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह जो कंजूस है तेरे नाम पे लौटा करने उसके माल को तल्फ कर। हम कहते हैं कि फलां को फलां की बदवा नहीं है, फलां बुजुर्ग की फलां देव की, और जिसके लिए फरिश्ते बदवा करें, जिसके लिए फरिश्ते बदवा करें उसको खैर कहां से आएगी। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, अपनी छोटी सी जिंदगी में सबसे पहले अपना घर है। और याद रखो कि जब अपने घर वालों को भी खर्चा दो तो अल्लाह के महबूब का इशारा सुनना कि घर वालों को भी खर्चा दो तो नीयत ये करके दिया करो कि अल्लाह तूने इनका खर्च मेरे जिम्मे रखा है, मैं तेरे नाम पर इनको दे रहा हूं। गांव ऐसी लफ्जी नहीं की, कितने लोग हैं जिन्होंने इस नीयत के साथ दिया। घर इसलिए दे रहा हूं कि दे रहा हूं। मैंने कितने दोस्तों को कहा कि आप ऑटो में जाते हो तो वहां जो वेटर है उनको आप ड्रिंक के तौर पर पैसे देते हो, क्यों देते हैं? ताकि कोई समझे कि क्यों बड़ा जाके कहा। इसीलिए आप दोस्तों समझ लिया तुम्हें तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको देते वक्त अगर ये नीयत हो गया अल्लाह मेरा भाई है तो इसको खादिम बनाया है, मुझे महरूम बनाया है, अल्लाह मैं तेरे नाम पर इसकी मदद करना चाहता हूं, तो वो तेरे 150 रुपया वो भी तेरे लिए सदका बन जाए। ये चीजें मेरे भाई जो दीन सिखाता है, जो किसी अहले इल्म की मजलिस में बैठो समझ में आएगी, दीन समझ आई हो जाता है, वरना जिंदगी इसी तरह गुजर जाती है। फिर इसके बाद हमारे अजीज अकारिब रिश्तेदार आते हैं। अगर हम अपने अजीज रिश्तेदारों का पता करें कि उनकी सूरत हाल क्या है, किस कसम कुर्सी में, तो फिर हमारी सूरत हाल बदल जाएगी। फिर उसके बाद हमारा मुआशरा आता है, हमारी सोसाइटी आती है। और जब बंदा इस तरह करता है फिर मेरा रब उसको महरूम नहीं करता, उसके माल में भी बरकत, उसकी औलाद में भी बरकत, उसकी दुकान में भी बरकत, उसकी तजारत में भी बरकत। और जिसको अल्लाह की बरकतें मिल जाए वो कभी खाली हाथ नहीं हुआ करता। अल्लाह हमें ये अहम तरीन राज समझ लेगी और फिर अल्लाह हिम्मत अदा करे समझी छोटे, लेकिन कैसे करते बीजेपी के लिए मस्जिद की जो है वो चादर जा रही है तो उसे कोशिश हो सके जनाब पाठानी जवानी पे है, वो तो खत्म हुई, उनको क्यों कहा कोई 10 रुपए का नोट जरा तो बुला रहे कोई ना, वो अल्लाह बस है, अल्लाह का पता कोई हो है क्या सही जरा अरबों रुपए अल्लाह के नाम पर 10 रुपये क्यों कहना फट